ओम प्रकाश यादव ने अपने पार्टी के खिलाफ ही बगावत का ऐलान एक तरह से कर दिया है, यानी पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे आप? एकदम, इस बार हम पार्टी के खिलाफ जाएंगे। क्यों क्यों गोरखेत बटैया नहीं दिया जाता? एक अस्पताल डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सभी इलाज एक छत के नीचे, हाईटेक सुविधा से लैस 24 घंटा। सर, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं इमरोज अहमद। आपको बता दें कि 2024 का चुनाव सामने है और अब धीरे धीरे पार्टियां अपने वोट बैंक को समेटने में लगी हैं। इसमें मुख्य चेहरा हमारे सामने आपको बता दें कि ओम प्रकाश यादव जी हैं, जो कई बार कड़ी चुनौतियों में इन्होंने बाजी मारी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको भी। कहना यह है कि अभी 2024 का चुनाव सामने है, क्या तैयारी चल रही है आपकी? बिल्कुल तैयारी चल रही है। सुहागरा जाएंगे, सुहागरा मंदिर पर पूजा अर्चना करने के बाद हम बिल्कुल फूंकने का काम करेंगे। सर, क्या पार्टी आपको टिकट दे रही है? बिल्कुल देगी, पार्टी टिकट देगी। पार्टी आकलन कर रही है, सर्वे करा रही है, और सर्वे कराने के बाद निश्चित रूप से टिकट मिलेगा। सीधा सीधा आपसे सवाल करते हैं, जो चर्चा है मंगल पांडे जी का सिवान से, कोई नीतू सिंह है उनकी चर्चा है, और आप कह रहे हैं पार्टी आपको टिकट दे रही है। देखिए, जिस मंगल बाबा अगर आते हैं, स्वागत है उनका सिवान में, हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, हम लोग नेता हैं। लेकिन हम पहले भी कह दिए हैं कि अगर बाहरी उम्मीदवार थोपा गया भाजपा की तरफ से तो हम निर्दलीय खड़ा होंगे। यानी पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे आप? एकदम, इस बार हम पार्टी के खिलाफ जाएंगे। क्यों क्यों गोरखेत बटैया नहीं दिया जाता है? गोरखेत बटैया नहीं दिया जाता है। हमें कमी बताए पार्टी कि आप में अमुक कमी है, आपकी तबीयत खराब है, आप लड़ नहीं पाएंगे, आप भगेड़ा आदमी हैं, आपकी पकड़ नहीं है, कुछ बताएं। आपने 10 साल सांसद रहे हैं, कुछ किए नहीं हैं। अभी हम सांसद न रहते हुए भी 5 करोड़ रुपया ला करके अम्बेडकर छात्रावास बनवा रहे हैं सिवान में। 3 मंजिला बनकर तैयार है, उसमें 12 AC लगेगा, जिसमें 9 AC लग गया। तो आखिर पार्टी को तो बताना पड़ेगा ना कि क्यों टिकट नहीं देगी। जब तालमेल था तो नीतीश कुमार के सहयोगी दल को दे दिया गया, हम लोग मान गए। लेकिन जब इस बार तालमेल नहीं है तो पार्टी को तो बताना पड़ेगा। तो यानी पार्टी माने या ना माने, या पार्टी जो भी करे, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, पार्टी से कोई मतलब नहीं है? नहीं, पार्टी से तो मतलब है ही है, पार्टी से क्या नहीं मतलब है। लेकिन हम पार्टी अगेंस्ट जा रहे सर, तो कैसे मतलब? लेकिन नहीं, पार्टी बढ़िया कैंडिडेट दे सिवान के हीरो। हम लोग नीतीश मोदी जी के नाम पर अगला बार लोकसभा जीता कर, इतने लोग सिवान के हैं, जरा पूछिए ना कि हम लोग मोदी जी के नाम पर तो जीता दिए, सांसद बना दिए, लेकिन उन्होंने किसी का सुख दुख लिया? ओम प्रकाश यादव ने अपने पार्टी के खिलाफ ही बगावत का ऐलान एक तरह से कर दिया है, अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो। ये कुल्लम कुल्ला हमारे कैमरे पे हमारे साथ जो इन्होंने कहा है, अब देखना है यह है कि आने वाले वक्त में ऊँट किस करवट बैठता है। पार्टी इस सुयोग्य उम्मीदवार को मानती है इनको कि नहीं, क्या इनको टिकट देती नहीं, मेन इस पर निर्भर करता है। जो लोग देख रहे हैं खबर को लाइक शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए आदाब, सलाम, धन्यवाद।